आइए, कहाँ है सुमन? कहाँ है? अब बस आई रही हूँ। अच्छा, अरे सेठ जी। हाँ सेठ जी, अरे कैसे हो? सब बढ़िया? सब बढ़िया। आप यहाँ? यहाँ मतलब ये हवेली हमने किराए पे दी है तो बस उसका किराया वसूल करने आए हैं। क्या बात है सेठ जी, क्या बात है। तो सेठ जी क्या बोलते हैं, किराया आपको अभी दे या फिर बाद में दे? बताइए बताइए बताइए। बाद में दे देना, ये तो घर का ही मामला है, बस बाद में दे देना। कहाँ है वो? यही है, इसने हमारा समोसा खाया है, निकालो। अरे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ओल्ड लेडी? दो दिन पहले खाया समोसा कहाँ का कहाँ निकल गया होगा? हमसे क्या पूछ रही हो? इट्स ऑलरेडी गॉन। नहीं, समोसे के साथ जो अंगूठी थी, जो हमारी बेटी की सगाई की अंगूठी थी, वो दो। अरे मुझे क्या पता आपकी अंगूठी का है? हाँ, मुझे समोसा मिला, खा गया। अब उसमें आलू था कि अंगूठी, क्या मतलब? Who cares? हमें तो पेट भरने से मतलब था। मैडम, मैडम जी देखिए, ये झूठ कह रहे हैं, इन्होंने हमारी बेटी की अंगूठी खा ली है। अरे समोसे के साथ था तो खा गया। अरे खा गया मतलब बेच के उसका पैसा खा गया, हड़प गया। जिंदगी से सताए गरीब इंसान पर इल्जाम मैडम। ओ मेरे गरीब, वो तो बहुत बहुत गरीब रे बाबा, बहुत गरीब। तो तू अंगूठी खा गया? या मेबी आई थिंक सो। या मेबी आई थिंक सो मान ही नहीं रहा है, दो मिनट में मानेगा। देखो ऐसे दो मिनट उल्टा रखेंगे ना तो सच और अंगूठी दोनों फर्श पर। चल उल्टा हो, शीर्षासन कर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या हो रहा है ये ढक्कन बबन, ये इनकी अंगूठी समोसे के साथ खा गया वो। अच्छा ठीक है, करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए, तभी पता चलेगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ। डॉक्टर कैसे बताएगा कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? डॉक्टर टेस्ट करेगा, टेस्ट में पता चलेगा कि ये सच बोल रहे हैं या पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। ओके ले जाइए जी। चलिए मैडम, हमारी बात तो सुनिए। प्लीज मैडम, हमारी बात तो सुनिए मैडम। आराम से लेटे रहो, बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। क्या कर रहे हो? अरे सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे गुदगुदी होती है ना तो मेरा दाया हाथ उठ जाता है। इसके हाथ पकड़ो। हाँ हाँ पकड़ता हूँ। आप रे चेक करो। वैसे कुछ लग तो नहीं रहा इसमें। हैं? कुछ लग नहीं रहा है इसमें। अच्छा, अभी कुछ कह भी नहीं सकते, रिपोर्ट अभी आने बाकी। इतना तो बता सकते ना कि रिपोर्ट कब तक आएंगी? अरे रिपोर्ट, कोई अंगूठी अंगूठी नहीं है इसमें। हैं? ये डॉक्टर है? डॉक्टर साहब, सही बोला, इसमें कुछ नहीं है इसमें। सुबह बाथरूम गए थे? डॉक्टर सभी जाते हैं ना। हाँ शायद वही। मैडम अभी तो रिपोर्ट भी आ गई, अंगूठी भी नहीं है। All clear मैडम, now can I go? Please आप मुझे release करिए मैडम। ठीक है, जा सकते हैं आप। नहीं बिल्लू जी, ये जाने के लिए इतना उतावला हो रहा है, पक्का इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब ये ही हमें अंगूठी तक पहुंचाएगा। कैसे? ओ जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले ये निकले। बाय बाय, आई एम बिलू द स्पाई। बार फीस देके जाना। समोसा तो मैंने खाया नहीं था, ऐसे फेंक दिया था। अगर वो चूहा उस समोसे का पैकेट यहाँ लाया होगा तो वो सगाई की अंगूठी भी यही होगी। हे भगवान, अंगूठी दिला दे, लाइट सेट हो जाएगी।
समोसा तो चूहा खा रहा है, कहीं अंगूठी ना खा गया हो। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, कहां बचकर भागेगा मेरे भाई। मैडम मैं तो वो महंगी अंगूठी के चक्कर में वहां गया था, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वो चूहा जो समोसा मैंने फेंका था उसको खा रहा है। क्या मैडम, हमको तो लगता है वो समोसे के साथ अंगूठी भी खा गया। मैडम हमारा टोपा हो क्या, चूहा अंगूठी खा लेगा, दिमाग भर आ गया तुम्हारा। चूहे ने अंगूठी खाई कि नहीं खाई ये चेक करते हैं, चूहे से ही पूछते हैं। क्या पुष्पा जी, आप क्या कर रही हैं, आपके ऊपर चढ़ के लेट गई। हाँ वो यहाँ से अच्छे से दिखता है ना, वरना क्या चूहा हमारे पैर के नीचे आ जाएगा तो फिर से मरेगा ना। नहीं तो ये चूहा आपकी तरफ देख रहा है, भौकाल दिखा देगा आपको। अरे हमको तो लगता है ये पिछले जन्म का आपको कोई मुजरिम होगा जो इस जन्म में बदला लेने के लिए चूहा बन के आपके सामने खड़ा हो गया है ना। अरे चूहे कहाँ भाग रहे हो हाँ? नहीं ऐसा भी हो सकता है ये चूहा ना पिछले जन्म का इनका प्रेमी हो सकता है। देखो कैसे देख रहा है, गुस्से से देख रहा है या प्यार से देख रहा है। नहीं 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 मुझे दिख रहा है ये गुस्से में, एकदम गुस्से में। देखिए अरे गुस्से से ही देखेगा ना, इनकी तरफ कौन प्यार से देख सकता है। एक हमारा नालायक लल्ला ही है तो पता नहीं कैसे इनकी तरफ प्यार से देख सकता है। क्या कर रहे हैं सबके सब, बिल्ले इसको हटाओ वरना तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे यहीं पे सबके सामने, समझे तुम। इनकाउंटर मत करना, मैं अभी चूहे को पकड़ता हूँ। पकड़ लिए। क्या हो रहा है? अरे मैडम सर क्या चल क्या रहे हैं? मैडम सर अच्छा वो आप आ गई, वरना अभी हमारी बहू रानी तो गई होती, काम तमाम हो गया होता उनका। बड़े बड़े चोर डाकू जिनसे डरते हैं वो डरी मामूली सी चूहे से। एक मिनट, लेकिन यहाँ चूहा आया कैसे? आया नहीं मैडम सर, ये बिल्लू जी लेकर आए। क्या क्यों? मगर मैडम सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चूहे ने अंगूठी खाई ना हो, कहीं छुपाई हो। क्या कह रही हैं आप पुष्पा जी, चूहा अंगूठी थोड़ी ना छुपाएगा। मैडम सर क्यों ना हम किसी चूहे स्पेशलिस्ट को बुलाएं? नहीं मतलब शायद वो चूहों को हैंडल करने में माहिर हो और शायद वो चूहे से निकलवाए कि अंगूठी उसने कहाँ छुपा के रखी है। पुष्पा जी ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। नहीं होता? नहीं। कमाल है, होना चाहिए। नहीं अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर आइए सब लोग और ये तमाशा बंद करिए। परसों सुमन की बेटी पारुल की एंगेजमेंट है और उसके पहले किसी भी कीमत पर हमें ये एंगेजमेंट रिंग वापस लानी ही होगी, और अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए ना तो हमारे थाने के लिए एक हार होगी। समझ में आ रही है आप लोग को बात? सो प्लीज गेट टू वर्क। भाई साहब सुनिए सुनिए, ये 203 शर्मा सदन कहाँ है आपको पता है? ठीक है थैंक यू। भैया सुनिए ना, 203 शर्मा सदन कहाँ है? आगे से राइट। ठीक है थैंक यू। पुलिस मैडम, हमने तो कुछ किया नहीं, वो कल छोड़ एक छोटा सा सिग्नल तोड़ा था लेकिन उसका चैनल भी भर दिया था मैडम। मैं तो एक मिनट शांत हो जाओ। क्या तुम दीपक हो? जी मैं ही हूँ। ठीक है हमें तुमसे किसी चालान के बारे में बात नहीं करनी, कुछ और बात करनी है, अंदर चल के करें। जी आइए ना आइए। ओके है। अच्छा कभी ये हमारे पिताजी हम आते हैं। अरे नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप यहाँ? दरअसल हमें आप लोगों से पारुल के बारे में बात करनी है। पुलिस?
तूने फिर सिग्नल तोड़ा? एक मिनट सिग्नल के बारे में कोई बात नहीं है, हम बैठ कर बात करें प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज आई। हाँ हाँ आ जा तू बैठ जा। अरे सुनो मैडम के लिए चाय नाश्ता है लेके आओ। बैठिए बैठिए। तो दीपक एक बात बताओ, क्या तुम और पारुल अपनी पसंद से अपनी खुशी से एक दूसरे से शादी कर रहे हो? जी मैडम। और आप लोग पारुल और उसकी माँ सुमन की माली हालत के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन? जी मैडम जानते हैं। जानते हैं तो फिर उसके बावजूद आप लोग उन्हें इतनी महंगी अंगूठी की डिमांड क्यों की, जब आप जानते हैं कि पारुल और उसकी माँ इस तरह की महंगी अंगूठी या कोई भी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपने दबाव डाला ही क्यों? यहाँ तक कि दबी छुपी धमकी भी दी कि अगर अंगूठी नहीं देंगे तो आप ये रिश्ता तोड़ देंगे। नहीं मैडम ये आप क्या कह रही हैं, हमने तो कोई डिमांड की ही नहीं। हमने नहीं कहा था सुमन आंटी से कि सगाई में कुछ भी दें। दरअसल वही जिद करके बैठी थी कि अपनी बेटी की सगाई में ऐसी अंगूठी देगी कि पूरी दुनिया देखेगी। हाँ मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोका कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मानी ही नहीं, अड़ी रही कि अंगूठी ही देंगी सगाई में। सही बोल रहा है मेरा बेटा। अरे चाय के साथ पकौड़ा कहाँ है? बन रहे हैं। अच्छा लो तुम भी लो। जी तो आप क्या कह रहे थे, कोई सीरियस प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं हम बस बस मैं ये बोल रहा था मैडम, हम भी एक बेटी के माँ बाप हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने अपने बेटी की शादी की थी। जानते हैं हम इस दहेज नाम के जहर के दर्द। हमने भी अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से की जो दहेज विरोधी है। एक नया पैसा नहीं दिया है दहेज में, फिर हमने अपने बेटी की शादी में ऐसे जली लड़कत क्यों करे, आप बताइए। मैडम जी इन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि इस रिश्ते में न दहेज लिया जाएगा न कोई देने की कोशिश होगी। हम अपना बेटा ब्याहने आए हैं, बेचने थोड़ी आए हैं। लड़कों वालों ने डिमांड की थी कि उनको कीमती वाली महंगी वाली अंगूठी ही चाहिए। अब अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि पारुल को तुम्हारे जितना अच्छा पति और आपके जैसे सच्चे और अच्छे सास ससुर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। तो वैसे सब ठीक है ना मैडम? हाँ हाँ सब ठीक है। बात यह है कि सुमन जी पारुल की माँ वो हमारे थाने के एक SHO हैं, अमर विद्रोही, उनके घर में काम करती हैं। तो उनकी तरफ से बस हम यहाँ आए थे देखने के लिए कि घर कैसा है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है वगैरह वगैरह। और हमें बहुत तहे दिल से खुशी हुई आप सबसे मिलके, है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक हो। एक मिनट मैडम, एक पकौड़े बन रहे हैं मैडम के लिए, पकौड़े। तुम्हारी भैया के साथ मैडम आप गलत समझ रही हैं। ये आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहे, आपको देखकर कौन सीटी बजाएगा? जो भी आपको देखकर सीटी बजाएगा उसकी सीटी तो गुल हो जाएगी। ये चूहे को बता रहे हैं कि ये आ गए हैं। कौन है? कौन है ये? एनिमल एक्सपर्ट यही है जो चूहे से अंगूठी का सच निकालेंगे। माँ तुम्हारी तो समझ में नहीं आता है क्या? मैडम सर ने कल बोला तो था चूहा हुआ का कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है। नहीं नहीं चूहे का नहीं होता है, लेकिन एनिमल एक्सपर्ट तो होता है ना। एनिमल की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये बता सकते हैं कि एनिमल क्या बोलना चाहता है ना? अब बहुत सरल है जानवर का भाषा समझना। जैसे कुत्ता घूम हिला है तो समझ लीजिए कि उसको बहुत प्यार आ रहा है, आप पर बहुत अच्छे मूड में है। वैसे ही जब चूहा दुम हिला है तो समझ लीजिए कि तो मुझे क्या पता। अब जब दुम हिलाएगा तो देखेंगे। देखेंगे कैसे? दिखाएंगे तो देखेंगे ना। कहाँ है? हाँ चूहा लेके आते हैं, आते हैं। अरे आप, हम का चूहा आ रहा है आपके सामने। तो क्या तो, मगर मतलब चूहे को देखकर आपकी हालत खराब हो जाती है ना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इसलिए आपको चेता रहे कि अगर आपको टेबल पर चढ़ना है। नहीं नहीं पुष्पा जी, टेबल पर तो आप चढ़ी थी ना, करिश्मा मैडम खंबे पे चढ़ी थी। हाँ हाँ खंबे पर चढ़ना है तो पहले बता दीजिए, भाग जाइए आप, ये अच्छा रहेगा है ना। फ्लैट में आ रही हैं आप पुष्पा जी, मतलब ये भी भूल रही हैं कि कहाँ खड़ी हैं, किसके सामने खड़ी और क्या बात कर रही हैं। अपने सीनियर का मजाक उड़ा रही हैं आप। हाँ मजाक में अगर आपका ट्रांसफर कर दिया तो रेगिस्तान की किसी चौकी में, फिर हमको बहुत मजा आएगा। डरते नहीं हैं हम चूहे से, वो देख के हमको समझ में नहीं आता हमको कुछ होता है, वो चूहा ही तो है क्या इतना से, इससे क्या डरेंगे हम। चूहा
पुष्पा जी आराम से, आप हल्की नहीं है। सही है सही है, जब कीतड़ का मौत आता ना तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब आपका बुरा टाइम आता ना तो आप हमसे मजे लेते हैं। अभी लाइन हाजिर करते हैं, आपका भी और इसका भी। आ गया चूहा। डरिए नहीं, डरिए नहीं, जानवर इंसान का एनर्जी पहचानता है और फिर वैसा ही व्यवहार करता है इंसान के साथ। आपके अंदर प्यार होगा तो जानवर भी आपसे प्यार करेंगे, अगर आपके अंदर हिंसा होगा तो जानवर भी आपके साथ हिंसा वाला व्यवहार करेंगे। करेक्ट, सही कहा। ये चूहा जब करिश्मा मैडम को देखता है तो गुर्राने लगता है। पर गुर्राते कुत्ते हैं। शेर भी गुर्राते हैं। पर चूहा कैसे गुर्राएगा? चूहे वाला गुर्राएगा, मतलब वो ऐसे दो सामने वाले माँ दिखाओ ना। वो नहीं नहीं पुष्पा जी, ये तो चूहा सूंघ रहा है, गुर्रा के दिखाइए। बस 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 पुष्पा जी, चूहा है। हम कुछ ज्यादा ही किरदार में घुस गए। बस बस माँ बस, केस सॉल्व करना है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या करना है? केस सॉल्व करना है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या करना है? आप जूते बेचने आए थे, ये अभी नहीं चाहिए जूते, बिल्कुल नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। अच्छा दिखाओ। नहीं देखने की क्या जरूरत, बहुत ही घटिया किस्म के जूते हैं। मैडम सर आपने मना किया था ना, फिर भी बिल्लू जी जो है वो एनिमल एक्सपर्ट लेकर आए। बताइए, हमने भी मना किया था मगर हमारी भी बात नहीं मानी। हम आप सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। इस केस में हमें नया लीड मिला है, परसों पारुल की एंगेजमेंट है और उम्मीद करते हैं कि कल ही ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लीज ये बंद कीजिए और इस बार इसे बाहर छोड़ कर आओ, और इन्हें भी। चलो चलो चल। मैं थाली में थाली, थाली में कटोरी, चेहरा तेरा जैसे चांद चकोरी, मांगा था हमने ऊपर वाले से दही समोसा, दे दी पूरी की पूरी छोले कचौरी। ये आपके लिए। अम्मी ने भेजा है? अम्मी तो सिर्फ एक जरिया है, भेजा तो मुझे ऊपर वाले ने आपके लिए, हमें इस धरती पर। जरा गौर फरमाइएगा, देख के आपको ऐसी मधोशी सी छाई, अरे देख के आपको ऐसी मधोशी सी छाई, कि देखा नहीं आज तक मैंने ऐसी खूबसूरत रसमलाई। हलवाई का बिजनेस है आपका? आपको कैसे पता, मैंने तो अभी तक आपको बताया नहीं। बताने की जरूरत भी नहीं है, दुकान तो आप अल्फाज में लिए घूम रहे हैं। आप बिना बहुत नॉटी हैं, तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, अगर आपके ये चूरनपुर के उम्मीदवारों का स्वयंवर खत्म हो गया हो। क्या कहा इन्होंने, चूरन? हाँ हाँ ठीक सुना है, आपको ही कहा है। बिल्लू आप रहने दीजिए। हाँ बोलिए। तो हम केस पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। अंदर सुमन आ गई है और आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। मैडम सर, अगर आपके ये चूरनपुर के उम्मीदवारों का स्वयंवर खत्म हो गया हो तो हम केस पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। अंदर सुमन आ गई है और आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैडम फिर मैं हाँ समझू ना? मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, आपका जवाब तो आपके चेहरे पे दिख रहा है, लेकिन आपकी इजाजत हो तो इनका जवाब आपकी तरफ से हम दें, इन्हीं के स्टाइल में। करारा जवाब मिलेगा। ये दीजिए, दीजिए भाई साहब। देखिए सवाल आपने शेर में पूछा है, तो जवाब आपका शेर में बनता है। बिल्कुल। तो मियां मुलाहिजा फरमाइएगा कि चाय के साथ अंगूर अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। वाह 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 है। तो चाय के साथ अंगूर अच्छा नहीं लगता, मेरे भाई अंगूर के साथ झिंगूर अच्छा नहीं लगता। हेलो अम्मी, सुनिए प्लीज, आज के दिन कोई और नया लड़का मत भेजेगा। आपके जो मोस्ट डिजर्विंग नमूने हैं ना, इनकी वजह से हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए प्लीज कोई और कार्टून, कोई और रिश्ता आज मत भेजेगा। ओके हाँ रखते हैं। बस आती होंगी वो। सुमन जी अच्छा हुआ आप आ गए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।
कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? बहुत अच्छे से चल रही है मैडम जी। गुड, तो अब आप इत्मीनान से अपनी बेटी की एंगेजमेंट कीजिए, क्योंकि हमें वो रिंग मिल गई है।